ओझा और जयेश ने 3 ओवर में 19 रन ही खर्चे हैं। ये दर्शाता है किस प्रकार के कार्य किया यहाँ पे स्पिनर्स ने। सिंह आते हुए इस बार पीछा किया, इतने पीछा ना करते तो शायद वाइड होती, बल्ला लगा तो इसलिए वो वाइड से बच गए। देखिए पिछले ओवर की आखिरी गेंद, ये बाउंड्री थी और गैप में खेला, थोड़ी शॉर्ट ओवर गेंद और ये चूक कर दी थी, गलती कर दी थी। और ये देखिए किसी भी उम्र के हो जानते क्या हो रहा है मैदान में, बहुत बढ़िया साइड रहती है। अजय एक प्रोजेक्टेड टोटल का एक सरमाइज, एक गेसवर्क जरूरी है, 174 रन अगर ये टीम, अगर ये दल बना लेता है। बेहतरीन शॉट, बाउंड्री की तरफ भागते और साथ में फील्डर भी, पर बॉल ने ये रेस जीता और 4 रन का और इजाफा, 144 रन। बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। क्या अश्विन ऐसा लग रहा है पांचवे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके रिवर्स गियर नहीं है, पहला गियर नहीं है, दूसरा गियर नहीं है, पर एक ही गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अभी तक स्ट्रोक खेले हैं तारीफ करनी होगी। इससे पहले भी एक मुकाबले में 74 रन बनाए थे 30 गेंदों में। पिंच हिटर है और वही रोल निभाते हुए और ये बड़ा छक्का, कमाल की बल्लेबाजी मैक्सिमम। अजय जिन चौकों और छक्कों की बरसात का हम जिक्र कर रहे थे वो अब इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। फिफ्थ गियर इस टीम ने अपना लिया और फुल थ्रॉटल रनों का एक तरह से जो सिलसिला था वो शुरू हो गया है। क्राउड में रोमांच और वापस से वो पैनापन आता हुआ दिख रहा है। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन एग्जीक्यूशन और बॉल में भी कोई कमी नहीं थी अजय, पर फिर भी इट्स अ बैट्समैन्स गेम। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, कप्तान मौजूद मिड विकेट पे, मनोज तिवारी अच्छा कार्य करते हुए। कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध एक आतिशी पारी खेली थी अश्विन ने इसी सीजन, जबरदस्त बल्लेबाजी से मैं कह रहा था और शतक लगाया था और वही यहां पे करते हुए। तो इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है अगर 20 ओवर तक खेलते हैं। और अजय आपको ये भी बता दें कि ये जो आखिरी छक्का अभी जो बाउंड्री पार करके गया है वो इस टूर्नामेंट का 111वां छक्का था। बॉलर अपनी लय में नहीं आ पाए तो वापस अपने रन अप को शुरू करेंगे और फैंस हर तरफ से मजा लूटते हुए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, झंडे फैलाते हुए, कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए। और ये उठाया शॉट और ये बाउंड्री की तरफ बढ़ता हुआ, पर फील्डर इंटरसेप्ट करेगा। टेल को वॉरियर्स के जो समर्थक हैं ये ओवर देखते हुए मुझे लगता है काफी मुस्कुरा रहे हैं, और खासकर जिस अंदाज से अब अश्विन बल्लेबाजी कर रहे हैं थोड़ी निराशा आती हुई। और ये क्रिकेट का खेल है, संजीदगी दबंगों के खेमे में, नाम दबंग है पर संजीदगी इनके खेमे में नजर आ रही है, पर अभी एंटी कैरेक्टर लग रहा है। अभी उन्होंने बल्लेबाजी करनी है, ये मुकाबला भी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि दबंग्स के पास एक बहुत मजबूत बैटिंग क्रम है, विकेट अच्छी है, विकेट में बदलाव नहीं है। मैं क्यूरेटर से बात कर रहा था, चंद्रशेखर से, कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त विकेट है बैटिंग के लिए, उछाल है इसमें। कदमों का इस्तेमाल किया वाइड के करीब और जिया वाइड का इशारा, तो जैसे ही देखा बैट्समैन आगे आ रहा है, कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ी दिशाएं परिवर्तन की। मनोज तिवारी ज्यादा खुश नहीं जी, बिल्कुल कप्तान इस वक्त कोशिश यही कर रहे होंगे कि बॉलर्स कम से कम एक्स्ट्रास कंसीड करें। अब जितने रन्स एक्स्ट्रास के थ्रू कंसीड होंगे अजय, उतना ही दबाव फील्डिंग साइड पर पड़ने वाला है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, उसके बाद 12 गेंदें बचेंगी और पहले ही इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं। और ये बेहतरीन शॉट, बाउंड्री की तरफ जाते हैं और ये एक और बाउंड्री, 157/5 आफ्टर 18 ओवर्स। सपोर्ट है और सुपर फैंस की कोई कमी नहीं। अगर आप भी सुपर फैन है कॉल करिए जल्द से जल्द 5333599 पे और मौका है 1 लाख रुपए जीतने का। पर क्या टर्नआउट है, जबरदस्त,
और ये सीसीएल का जादू है। और अश्विन की स्ट्राइक रेट पर अगर हम और तलब हो तो 235 का स्ट्राइक रेट अजय का एंटरटेनमेंट का। और ये बेहतरीन शॉट कवर और ये एक और बाउंड्री 161 रन दूसरी ही गेम में। ऐसा लग रहा है अ मैन ऑन अ मिशन यार अश्विन। और कहते ना खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पे अश्विन को देख के आदर्श ने भी रंग बदला। जैसे देखा कि शॉट ऑफ लेंथ है वार करते हुए और इतना जोर लगाया, इतना बॉटम हैंड लगाया कि जो फील्डर है डीप मिड विकेट में उसको ये पकड़ना मुश्किल। अजय आपने कहा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, पर अगर आदमी का कद ज्यादा ऊंचा हो तो उसे संतरे भी नींबू लगते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं और शायद आदर्श भी यही चाहते थे कि आप उस बाउंड्री के बाद अश्विन को स्ट्राइक पे लेके आए। अश्विन जिस प्रकार जो लॉन्ग हैंडल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर टीम में कहते हैं ना 2020 में एक फिनिशर होना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मेट में अपने चहीते सितारे को रन बनाते हुए देख रहे हैं अजय। जी हाँ बिल्कुल, और यही सीसीएल का मजा है। डगआउट में टेंशन है, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, मुकाबले का रुख बदल रहा है। शुरू में हमने देखा था दबंग्स के जो समर्थक थे कितने खुश थे, पर एकदम जैसे बाउंड्रीज आई एकदम फर्क नजर आया। हिंदू वॉरियर्स के समर्थक का खुश नजर आए, फिर जहां से टारगेट होगा कम से कम अब 180 रन। अरे रिस्की प्रोपोजिशन है एक स्पिनर को इस मुकाम पर इंट्रोड्यूस करना। यॉर्कर्स अगर देखने को मिले जो बैट्समैन को कम से कम कंटेन कर सकें तो बहुत ही रोमांचक हो जाएगा मुकाबला। यह पर मुझे लगता है मनोज तिवारी ने आज काफी निर्भर किया अपने स्पिनर्स के ऊपर और वो खरे भी उतरे हैं। वेंकटेश लगातार देखते हुए फोकस अंदर है, बातचीत भी कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी। देखिए फिर से अच्छी गेंद, इस बार आगे खेला, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं और दूसरे रन के लिए वापस आते हुए और अच्छी थ्रो पर रन में डाइव लगाया और पहुंचे। 19 ओवर की समाप्ति 165/5। तो आखिरी ओवर इस बेहतरीन इनिंग्स का, और जिसको एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स की जुबान में कहेंगे अजय द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। 6 गेंदें बची हैं और बल्लेबाज के पास अवसर है, बल्लेबाज कहें तो आदर्श और अश्विन के पास अवसर है कि इस स्कोर को वो 180 तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं। अभी तक उनकी पार्टनरशिप 38 रन की हो चुकी है 19 गेंदों से, और ओझा अब गेंदबाजी करने उतरेंगे। आखिरी ओवर है उनका, पूरा कोटा अपना खत्म कर लेंगे वो इस ओवर के बाद, और 19 रन लुटाकर वो 2 विकेट ले चुके हैं। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है और वेंकटेश नर्व्स एज पर, रवि किशन और उनके समर्थक और फैंस का जलवा देखिए, हर एक सेलफोन की लाइट, ऐसे लग रहा है कि सितारों का मेला लगा हुआ है, आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। और क्यों ना उतरे, इतने सारे सितारे दोनों खेमों और दोनों डगआउट्स में रूबरू हैं अपने फैंस के साथ। बहुत ही खूबसूरत जलवा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत ही अच्छी अटेंडेंस। या ऐसा लग रहा है सितारे खेल रहे हैं, पर सितारे हैं चमकते हुए, जो दर्शक दीर्घा है वहां पे सितारे ऐसा लग रहा है छोटे छोटे, वो जो लाइट है सेलफोन की वो नजर आती हुई। और क्या ये दृश्य है, अद्भुत बेहतरीन। मुझे कहते हैं छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो हम जैसे हो जाएंगे। तो सितारों की दुनिया में जो रह रहे हैं उनको उस मोमेंट को, उस पल को इंजॉय देना करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की विनीत आपने। इस बार उठा के खेला है, बड़े ओवर की जरूरत और क्या शुरुआत, 6 रन से शुरुआत, इसी की दरकार थी। अश्विन ये हीरो नजर आ रहे हैं वॉरियर्स के लिए, और जैसा कि हमने कहा कि ये मोमेंट ऑफ ग्रोथ है और मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे अश्विन हैज कम टू द पार्टी। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन एग्जीक्यूशन और गुड फॉलो थ्रू अजय। जी हाँ, क्राउड में हम देख रहे हैं शाइनिंग स्टार्स, और ये शाइनिंग स्टार है अपनी टीम के लिए। 40 में नाबाद 17 गेंदों का सामना किया है, 4 डॉट बॉल केवल, 2 छक्के और 5 चौके लगा चुके हैं, और स्ट्राइक रेट की आप चर्चा कर रहे थे 200 से ऊपर, 235 का स्ट्राइक रेट। राउंड द विकेट अब आते हुए ओझा, और फिर से उठा के खेला है, इस बार बेहतरीन कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ पे, और ये बहुत अहम रह सकता है
जहां पे 8 या 10 रन का फर्क पड़ सकता है इनके आउट होने से। और अजय वही 8 से 10 रन जीत या हार का सिलसिला तय कर सकते हैं। और अपने अर्धशतक से 10 रन कम, अश्विन ने बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को 180-190 के आंकड़े के पास ले जाने की बेहतरीन कोशिश की। 4 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो अगले बल्लेबाज आते हैं वो दर्शकों को स्ट्राइक पर आने का मौका दें। यह अच्छे स्ट्राइकर हैं, पर यादव अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर यादव समय नहीं है, अब 4 गेंदें हैं, उसका लाभ उठाना होगा। ओझा, इनके आंकड़े देखिए, 25 रन खर्च के 3 विकेट और 3 बड़े विकेट, सही समय पे अपनी टीम के लिए डिलीवर किया। राउंड द विकेट एक बार फिर आते हुए टर्न नहीं मिल रही है, गेंद स्किप कर रही है, टाइमिंग सही नहीं, और यहां पे खाता खोला रघु ने पहली गेंद पे। दूसरे रन की मांग पर ये ज्यादा प्रैग्मैटिक नहीं होता। और वेंकटेश ऑन द एज है, और वेंकटेश भी हरफन वाला है, एक्टर भी है, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी है, और साथ ही साथ चैरिटेबल वर्क में भी बेहतरीन योगदान रहा है उनका। देखिए अखिल ने एक चीज कहा था टॉस के वक्त कि उनकी सोच है 200, अब 200 से काफी पीछे रह गए हैं और विकेट में कोई बदलाव नहीं आया, अच्छी विकेट है। तो दबंग्स को अगर ये मुकाबला जीतना है मुझे लगता है अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट हाथ में रखने होंगे, और मुझे लग रहा है कांटे की टक्कर रहेगी। जबरदस्त ये मुकाबला रहने वाला है दूसरा सेमीफाइनल। और ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तेलुगु वॉरियर्स, तो सेमीफाइनल्स में ही बाहर हो जाना फैंस के लिए और टीम के लिए और खासकर इतने बड़े सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही निराशाजनक होने वाला है। सेकंड लास्ट गेम, और ये उठा दिए गेंद, देखते हैं नीचे फील्डर है कि नहीं, नहीं। और मनोज तिवारी वापस फेंका, 2 रन लेने में कामयाब रहे। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, और अगर छक्का भी लगता है अब वाइड बॉल के साथ या नो बॉल के साथ 185-186 से ऊपर का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। क्या 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, एक सफलता भी मिली है, और बहुत बेहतरीन कार्य किया यहां पे ओझा ने। आखिरी गेंद पे क्या होगा, अच्छी गेंद, लाइटेड गेंद भी थी, तो बड़ा दिल है ओझा का, हालांकि 2 रन मिलते हुए, और इसके साथ ये पारी समाप्त होती हुई। 170 रन बनाए 6 विकेट नुकसान पे, तो 178 का टारगेट रहेगा। वेंकटेश एकदम कप्तान के पास जाते हुए, वकील के पास जाते हुए समझाते हुए, और बड़ा जबरदस्त ये दूसरी पारी रहने वाली है। बड़ा मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल है। तेलुगु वॉरियर्स याद रखिए टॉस हारे, पर पहले बैटिंग करते हुए शुरू में विकेट खो दिए और दबाव था, खासकर 41 के स्कोर पे जब 2 विकेट गिरे वहां से कई बार उभरना इतना आसान नहीं, पर अश्विन की दाद देनी होगी शिकारी पारी उन्हें खेली। पर दबंग्स खुश होंगे जिस प्रकार आज गेंदबाजी की है और विनीत जैसे फील्डिंग करी है उन्होंने। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की इकोनॉमिकल गेंदबाजी देखने को मिली अगर हम तुलना करें बंगाल की टीम से और कर्नाटका वाले मैच से, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही परिपक्व योगदान, और जो संतुलन और कंट्रोल मनोज तिवारी कप्तान ने बरकरार रखा, मुझे लगता है अजय वो भी कहीं ना कहीं टीम्स में ट्रिकल डाउन जरूर करता है। तो 178 रन का लक्ष्य, बैटिंग कार्ड पर नजर डालते हैं और आपको संक्षेप में बताते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या किया। प्रिंस ने बेहतरीन अर्धशतक जड़ के इस टीम को इस आंकड़े तक पहुंचाया, और उसके बाद अश्विन ने 40 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, कप्तान अखिल अकिनेनी 19 रन बनाकर ही आउट हो गए, पर ओझा बोलिंग ने आज जो डिफरेंस क्रिएट किया वही हार और जीत के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है, एक बहुत बड़ा क्रेविस हो सकता है। जी हाँ, अगर आप स्पिनर्स की बात करें, ओझा, जयेश और सिन्हा सबने बेहतरीन कार्य किया। इकॉनमी देखिए, ओझा की इकॉनमी लगभग 8 से नीचे, जयेश की 6.33 और सिन्हा ने भी 2 ओवर में 15 रन दिए और 1 विकेट, तो स्पिनर्स ने बेहतरीन कार्य किया, दबाव डाला है। और मनोज तिवारी 2 ओवर 13 रन, उनकी इकॉनमी भी 6.5 की, तो कुल मिला के अच्छा कार्य किया गेंदबाजों ने दबंग्स के लिए। तो टारगेट जो सामने है मुकाबला जीतने के लिए दबंग्स के लिए 178 रन का 20 ओवर में। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्दी वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं।